जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़। गनीपुर इलाके में दो आतंकी मारे गए। मारे गए आतंकियों में लश्कर कमांडर नसीरुद्दीन लोन भी शामिल। 18 अप्रैल को हंदवाड़ा में सीआरपीएफ के 3 जवानों की हत्या में शामिल था नसीर। जम्मू कश्मीर के शोपियां में भी सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़। एक आतंकी मारा गया। देर रात सुरक्षा बलों का ऑपरेशन खत्म। खुफिया जानकारी के बाद सुरक्षा बलों ने चित्रगाम इलाके में अभियान चलाया। मारे गए आतंकी के पास से पिस्टल और ग्रेनेड बरामद हुआ। लद्दाख में तनाव कम करने को लेकर भारत और चीन के बीच आज अहम बैठक। दोपहर 12 बजे से संयुक्त सचिव स्तर की बातचीत शुरू हो सकती है। मीटिंग में कई और अहम मुद्दों पर चर्चा संभव है। इसी तरह की बैठक 24 जुलाई को भी हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के परिणामों की घोषणा करेंगे। ये देश के वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण का 5वां संस्करण है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित होगा कार्यक्रम। पीएम मोदी विजेताओं से बात भी करेंगे। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर से केंद्रीय बलों के लगभग 10,000 जवानों की तत्काल वापसी के आदेश दिए। गृह मंत्रालय ने केंद्रीय बलों की तैनाती की समीक्षा के बाद फैसला किया। सीआरपीएफ की 40 कंपनियां, सीआईएसएफ की 20 और एसएसबी की 20 कंपनियां इसी हफ्ते जम्मू कश्मीर से लौटेंगी। सरकारी नौकरी के लिए राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के गठन को कैबिनेट की मंजूरी मिली। एसएससी, रेलवे और आईबीपीएस में भर्ती के लिए अब एक ही परीक्षा होगी। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, इस फैसले से करोड़ों युवाओं को फायदा होगा। मशहूर शास्त्रीय गायक पंडित जसराज का आज मुंबई में अंतिम संस्कार होगा। कल अमेरिका से मुंबई लाया गया उनका पार्थिव शरीर। पद्म विभूषण से सम्मानित पंडित जसराज का निधन सोमवार को अमेरिका के न्यू जर्सी में हुआ था। सुशांत केस में जांच के लिए आज सीबीआई की टीम मुंबई जाएगी। बीएमसी ने रखी क्वारंटीन की शर्त। कहा, अगर सीबीआई की टीम 7 दिनों से कम रुकती है तो उन्हें क्वारंटीन नहीं किया जाएगा। 7 से ज्यादा दिन तक रुकने के लिए छूट की अनुमति लेनी होगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की डीजीपी सुबोध जायसवाल और मुंबई पुलिस कमिश्नर के साथ अहम बैठक। सूत्रों के मुताबिक उद्धव सरकार कानूनी विकल्पों पर विचार कर रही है। कल सुप्रीम कोर्ट ने सुशांत केस की सीबीआई जांच के आदेश दिए। आज दिल्ली में राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के मंदिर निर्माण समिति की बैठक संभव। 70 एकड़ परिसर के लिए मास्टर प्लान पर चर्चा होगी। अंतिम फैसले के बाद नक्शा पास कराने के लिए आवेदन किया जाएगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का बयान। अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर 36 से 40 महीने में पूरा होने की उम्मीद। राम मंदिर की आयु कम से कम 1000 वर्ष होगी। मंदिर बनते हुए भी देख सकेंगे लोग। यूपी के अलीगढ़ में रामलला की पूजा करने वाली महिला और उसके परिवार को धमकी। पोस्टर में इस्लाम से खारिज करने की बात। शिकायत के बाद मामला दर्ज किया गया। 5 अगस्त को रूबी आसिफ खान ने रामलला की आरती की थी। 5100 रुपए का चेक अयोध्या भेजा था। तबलीगी जमात केस में ईडी ने दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद और केरल में 20 जगहों पर छापेमारी की। जमात को फंडिंग को लेकर कार्रवाई। दिल्ली के जाकिर नगर में तबलीगी जमात के प्रमुख मौलाना साद के घर की भी तलाशी। हवाला रैकेट के जरिए विदेशी फंडिंग जुटाने का आरोप। आज से उत्तर प्रदेश विधानसभा का 3 दिनों का सत्र। कोरोना वायरस के चलते विधायकों के बैठने के लिए विशेष इंतजाम। विधायकों के घर के पास टेस्टिंग सेंटर बनाए गए। हर तरह के एहतियात बरते जा रहे हैं। बिहार में आरजेडी को बड़ा झटका। लालू यादव के समधी चंद्रिका राय समेत 3 विधायक आज जेडीयू में शामिल होंगे। नवंबर में होने वाले हैं विधानसभा चुनाव। समधी के लालू से संबंध पहले ही खराब हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट की अवमानना मामले में वकील प्रशांत भूषण की सजा पर आज बहस होगी। प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की। बहस पर सुनवाई को टालने की मांग। कहा, खुद को दोषी ठहराने के फैसले पर पुनर्विचार याचिका दाखिल करना चाहता हूं। पहले सजा तय न की जाए। दिल्ली एनसीआर में आज भी बारिश का अलर्ट। दिल्ली और एनसीआर में कल हुई लगातार बारिश से बिगड़े हालात। दिल्ली में कई जगहों पर अंडरपास में पानी भरा। गुरुग्राम में कई घंटों तक लगा रहा जाम। मौसम विभाग ने बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया था। कोरोना महामारी की वजह से दिल्ली में 5 महीने से बंद होटल फिर से खुल सकेंगे। साप्ताहिक बाजारों में भी प्रायोगिक तौर पर खोलने की अनुमति। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक में फैसला लिया गया। दिल्ली में जिम खोलने को मंजूरी अभी नहीं। दिल्ली में कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की दर 90% से ज्यादा हुई। 24 घंटे में संक्रमण के 1398 नए केस आए। 9 लोगों की मौत हुई। 1320 लोग इलाज से ठीक हुए। दिल्ली के 28.35% लोगों में कोरोना वायरस के खिलाफ एंटीबॉडीज तैयार। देश में कोरोना संक्रमण से ठीक होने वाले मरीजों की दर 73.64%। पिछले 24 घंटे में 61531 नए केस आए। 1092 लोगों की मौत हुई। देश में 6,76,514 संक्रमित मरीजों का इलाज जारी। मशहूर गायक
एसपी बाला सुब्रमण्यम की तबीयत बिगड़ी, कोरोना वायरस के चलते लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रखा गया। चेन्नई में ट्रांसजेंडर्स ने अपने प्रिय गायक की सेहत के लिए प्रार्थना की। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले में नदियां उफान पर, कई गांव में पानी भरा, कई गांव टापू में तब्दील हो गए। नाव के सहारे जरूरत का सामान ले जा रहे हैं लोग। जिला प्रशासन से शिकायत, राहत सामग्री पर पीड़ित तक पहुंचाने की मांग। बिहार के सीतामढ़ी में सामाजिक दूरी और नियम कायदों की धज्जियां उड़ी, बदमाशों ने बार बालाओं के साथ ठुमके लगाए, पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया, मौके से पिस्टल भी बरामद। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में गोटमार मेले में करीब 200 लोग घायल हुए, प्रशासन की ओर से तय वक्त के बाद भी नहीं हटे लोग, दोनों तरफ से पत्थर की बौछार, प्रशासन इन्हें रोकने में नाकाम रहा। गुजरात में सरदार पटेल की मूर्ति की विशेष सुरक्षा होगी, सीआईएसएफ के 272 जवानों को तैनात किया जाएगा, 25 अगस्त से होगी तैनाती। फिलहाल स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बंद, जल्द ही इसे लोगों के लिए खोलने पर विचार, कोरोना के चलते प्रवेश पर लगाई गई थी पाबंदी।